फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme P1 Android मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन को ना फैक्ट्री रीसेट आप कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, फैक्ट्री रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग का पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग के इस पेज में सबसे ऊपर सर्च बार पर टैप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो होगा, इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट। इस फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करेंगे तो आपका अगला पेज आएगा ये वाला। इस पेज में आपको इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है तो आपका नीचे पेज आता है छोटा सा, इसमें आपको इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा, यानी कि फोन फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट इजीली कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको जो है फैक्ट्री रीसेट करने से पहले आपको चार बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपको अपने फोन का जो सिम कार्ड है ना उसे बाहर निकाल के रख लेना है फैक्ट्री रीसेट करने से पहले। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपको अपने फोन का जो मेमोरी कार्ड होता है अगर लगा रखा है फोन में तो मेमोरी कार्ड को मोबाइल से बाहर निकाल के रख लेना है, ठीक है। और तीसरी बात ध्यान रखनी है, आपको अपने मोबाइल फोन का जो डेटा होता है ना उस डेटा का बैकअप ले लेना है अपने फोन में, ठीक है। और डेटा लेने का फायदा, बैकअप, डेटा के बैकअप लेने का फायदा क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और देखिए चौथी बात ये ध्यान रखनी है, आपको अपने फोन की जो जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है, ठीक है। ये चार काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को फैक्ट्री रीसेट करना है। अब मैं आपको मोबाइल फोन में जो डेटा का बैकअप लेंगे ना आप, उसका फायदा बताता हूँ होता क्या है। देखिए दोस्तों, आप जब भी मोबाइल फोन को फैक्ट्री रीसेट करते हैं ना तो आपके फोन के अंदर का सारा डेटा डिलीट हो जाता है, आपका फोन जो है अंदर से एकदम नया हो जाता है जैसा आप दुकान से खरीद लाते हैं, ठीक है। तो बैकअप लेने का फायदा ये होता है कि जब आप अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट करने के बाद अपने फोन में जब पहले वाली जीमेल आईडी को लॉगिन करते हैं ना तो आपके फोन का जो डेटा होता है वो वापस आ जाता है डिलीट होने के बाद भी, ठीक है ना। तो बैकअप लेने का फोन में ये फायदा हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, फाइनली मैंने आपको बता दिया है कि आप इस तरीके से अपने मोबाइल फोन को जो है फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। और मेरी जो ये चार बातें मैंने आपको बताई, इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है फोन को फैक्ट्री रीसेट करने से पहले, ठीक है।